चलो हेडिंग डाल लो तुम लोग सर्कल्स। और अगर अपन सर्कल्स के बारे में बात करें तो सर्कल्स के बारे में और मेनली टेंजेंट टू सर्कल्स के बारे में तो तीन तीन चीजें जानना बहुत जरूरी है। एक एक करके जानेंगे। अगर मैं बात करूं कि अगर ये पूरा आपके पास सर्कल होता है तो सर सर्कल की अच्छी बात क्या है? अगर अपन बात करें तो सर्कल की अच्छी बात यह है कि सर्कल का अगर सेंटर है तो सर्कल पे जब भी कोई टेंजेंट बनता है, सर्कल पे कोई भी अगर टेंजेंट बनता है, समझो अगर मैं इसको नाम दूं पी और इसको नाम दूं कितना ए, और इस पॉइंट से ही अगर सर्कल पे एक और कोई भी टेंजेंट बनाऊं जैसे ये पी और बी, तो पहली चीज ध्यान रखना कि एक पॉइंट से जो भी टेंजेंट बनते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? इक्वल। मतलब पहली प्रॉपर्टी कि पी ए वुड ऑलवेज बी इक्वल टू कितना पी बी, मतलब टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर ऑलवेज इक्वल। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, टेंजेंट फ्रॉम व्हाट? एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑलवेज इक्वल। तो सर ठीक है, आपने एक चीज बता दी कि टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट हमेशा क्या होते हैं? इक्वल। सेकेंड बात ये जानने की जरूरत है कि टेंजेंट टू रेडियस, अगर ये रेडियस बन रहा है तो हमेशा कितना होता है? 90। तो सर सेकेंड बात ये कि जो टेंजेंट टू रेडियस का जो भी एंगल रहेगा, टेंजेंट टू क्या होगा? रेडियस का, देखते जाओ, टेंजेंट टू रेडियस का जो भी एंगल रहेगा वो हमेशा एंगल कितना रहेगा? 90। सर ये बात भी अच्छी है कि टेंजेंट टू रेडियस हमेशा कितना रहेगा? 90। यहाँ पे भी अगर अपन बात करें तो यहाँ पे भी कितना रहेगा? 90। तो सर ये बात और अच्छी कर दी आपने, मैंने बोला हाँ। सर तीसरी प्रॉपर्टी अगर मैं आपको बात करूं तो एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड एंगल एट सर्कल, मतलब एंगल पी प्लस एंगल ओ हमेशा कितने होंगे? 180, क्योंकि ऑलरेडी एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है जिसमें यहाँ पे 90 हो चुका है और यहाँ पे क्या हो चुका है? 90। तो बचे हुए दोनों एंगल भी क्या रहेंगे? 180। तो एंगल पी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू कितना होगा आपके पास? 180 डिग्री। एंगल पी प्लस एंगल ओ कितना रहेगा आपके पास? 180 डिग्री। अगली चीज ये जानना हमेशा ध्यान से दोस्तों कि आपके पास अगला इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि किसी भी सर्कल पे मैक्सिमम टेंजेंट कितने बन सकते हैं? मैक्सिमम टेंजेंट कैन ओनली बी टू, कैन ओनली बी टू। तो सर किसी भी सर्कल पे तीन टेंजेंट नहीं बन सकते, मैक्सिमम टेंजेंट कितने हो जाएंगे? टू। मैक्सिमम टेंजेंट कितने हो जाएंगे? टू। सर ठीक है, ये भी अच्छी बात है, मैंने बोला हाँ, ये भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। एक सर्कल पे मैक्सिमम टेंजेंट कितने बन सकते हैं? टू। गॉट इट। अगली बात मैं बच्चों से कहना चाहूंगा कि देखो यार, ये हमेशा ध्यान रखना, एक को मतलब ये अभी की अगर अपन अभी के भी समझ ले कि जो ट्राइंगल होते हैं, फोर्थ पॉइंट कि ट्राइंगल पी ओ ए एंड ट्राइंगल पी ओ बी ये हमेशा कॉन्ग्रुएंट होते हैं। आप उससे कॉन्ग्रुएंट किसी भी तरीके से मान लो। सर कैसे मान लें? अगर अपन बात करें तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू कितना? ओ बी, क्योंकि क्या है? रेडियस है। तो ओ ए इज इक्वल टू कितना? ओ बी, क्योंकि क्या है? रेडियस। ओ पी इज इक्वल टू कितना है? ओ पी, क्योंकि क्या है? कॉमन। ओ पी इज इक्वल टू ओ पी, क्या है? कॉमन। और अभी अपन ने पढ़ा पी ए इज इक्वल टू क्या होगा? पी बी। आप चाहो तो पी ए इज इक्वल टू कितना होगा? पी बी। इसका मतलब पी ए इज इक्वल टू कितना? पी बी। इसका मतलब टेंजेंट क्या होते हैं? इक्वल। तो सर नॉर्मली अगर आप चाहो तो ये टेंजेंट क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट बाय एस एस एस। चाहते तो ये एंगल भी ले लेते 90 वाला, तो उससे अपन ऐसे ऐसे कर लेते। फिलहाल अपन ने क्या करा है? एस 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 और एस, एक बार चेक। टेंजेंट जो आपके कॉन्ग्रुएंट हो गए वो किससे हो गए? एस 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 से। ये क्या हमेशा ही रहेंगे? मैंने बोला हाँ, मतलब इसको आप सबकॉन्शियसली याद भी रख सकते हो, समझ भी सकते हो कि ये हमेशा ही कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। बाय व्हाट? एस एस एस। बाय व्हाट? एस एस एस। तो ठीक है, ये भी अच्छी बात है। अगर मैं बात करूं, अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय व्हाट? एस 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 से, तो हम एक नई बात भी समझना चाहेंगे। सर क्या समझना चाहोगे?
इसका मतलब ये जो एंगल वन है और एंगल टू है, एंगल वन और एंगल टू भी हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल। एंगल वन और एंगल टू भी हमेशा क्या रहेंगे, तो ये एक्स है तो ये भी क्या रहेगा, एक्स। और यहां से एंगल थ्री और एंगल फोर भी क्या रहेंगे। सर क्या ये टेंजेंट का बेसिक बता रहे हो? मैंने बोला हाँ, अगर ये सारी बातें आप लोगों ने कर ली तो आपके लिए टेंजेंट पूरा चैप्टर समझ लो हर एंगल से इजी हो जाएगा, ठीक है ना? तो पहले यहां तक कर लो, फिर अपन आगे बात करते हैं। चले दोस्तों, आपको पहला क्वेश्चन ये पूछा गया है क्वेश्चन में ही कि एग्जाम्पल नंबर वन से स्टार्ट करने की मेरी इच्छा है। एग्जाम्पल वन ये बोलता है कि अगर दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, एग्जाम्पल नंबर वन आपकी बुक का एनसीईआरटी का, एग्जाम्पल नंबर वन एनसीईआरटी का कहता है कि अगर कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल स्मॉलर सर्कल को टच करे, कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल अगर स्मॉलर सर्कल को टच करेगी तो वो बाइसेक्ट हो जाएगी, प्रूफ करो। अब वो ये प्रूफ करना चाहते हैं कि अगर ए बी ने इसको स्मॉल सर्कल को, सेंटर जो ओ है उसको टच करा है डी, तो ये बोल रहे हैं टू प्रूफ करो, टू प्रूफ करो ए डी इक्वल टू डीबी। देखो दो लाइन में इसका आंसर आ जाएगा। सर क्या बात कर रहे हो? मैंने बोला हाँ प्रॉपर दो लाइन में इसका आंसर आएगा। हम बोलेंगे ए बी इज टेंजेंट, ए बी इज टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल। भाई वो बड़े सर्कल की बड़े कॉर्ड होगी, टेंजेंट टू व्हाट, स्मॉलर सर्कल। ए बी क्या है, टेंजेंट टू स्मॉलर सर्कल। तो क्या अपन बोल सकते हैं कि एंगल डी इज इक्वल टू कितना, 90। एंगल डी इज इक्वल टू 90, क्योंकि टेंजेंट टू रेडियस हमेशा कितना रहता है, 90। अभी तो अपन ने लिखा सर टेंजेंट टू रेडियस हमेशा कितना रहता है, 90। तो सर अगर ये टेंजेंट है तो यहाँ पे क्या बनाएगा, 90। और एक बार ये 90 बन गया तो कैन वी से परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो आप सीधे लाइन ही लिख दो, या तो प्रूफ करना तो प्रूफ कर दो अगर आपकी इच्छा हो तो। अगर आपकी इच्छा हो तो आप यहाँ से ओ ए और ओबी भी ज्वाइन कर सकते हो। और एक सिंपल लाइन में लिखना हो, सिंपल लाइन में सिर्फ इतना सा लिख दो कि नो दैट परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है क्या? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, आया समझ में? तो इसका मतलब अपन बोल देंगे कि AD is equal to कितना होगा, AB। क्योंकि देखो AB bigger circle के लिए क्या है, chord। bigger circle के लिए क्या है, chord। और smaller circle के लिए क्या है, वो tangent। small circle के लिए क्या है, वो tangent। तो सर हो गया क्वेश्चन, सर क्या हो भी गया? मैंने बोला हाँ हो गया। अब अगला क्वेश्चन आपके पास एग्जाम्पल नंबर टू के रूप में क्या है, अगर मैं बात करूं तो सर एग्जाम्पल नंबर टू पहले कर लेते, फिर आपको टाइम भी दूंगा क्वेश्चन करने का। आपको बोला गया है टू टेंजेंट्स, आपको बोला गया है टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू। एग्जाम्पल नंबर टू में दो टेंजेंट है आपके पास, एक है आपके पास टीपी, समझो ये टीपी एंड टीक्यू, आर ड्रॉन सर्कल विथ सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टी, प्रूव दैट एंगल पी टी क्यू, प्रूव दैट एंगल पी, टू प्रूव करना है इसमें कि एंगल पी टी क्यू, पहले बात तो पी टी क्यू समझ लो, यहाँ एंगल मतलब एंगल वन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू, ट्वाइस ऑफ एंगल कितना ओ पी क्यू, तो अपन ओ पी क्यू को ही बना लेते हैं, इस वाले एंगल को अपन थीटा मान लेते हैं, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू, या फिर ट्वाइस ऑफ थीटा। सर ठीक है, मतलब ऐसे प्रूफ करना है तो करने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला ठीक है, सबसे पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूंगा अगर ये आर है तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, और ये भी आर है तो मैं बोलना चाहता हूँ इन ट्राइंगल ओ पी क्यू, क्या बोल सकते हैं ओ पी इज इक्वल टू क्या है ओ क्यू, क्योंकि रेडियस है। एंगल पी इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू थीटा, भाई ये आर है और ये भी क्या है आर, तो ट्राइंगल क्या हो गया आइसोसेलेस, ट्राइंगल क्या हो गया आइसोसेलेस, तो ट्राइंगल आइसोसेलेस है, उसके दो साइड्स भी क्या होती है इक्वल, और दो एंगल भी क्या होते हैं इक्वल। तो कैन वी से इन ट्राइंगल ओ पी क्यू थीटा प्लस थीटा प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू कितना 180,
या मैं बोल सकता हूं एंगल ओ इज इक्वल टू 180 माइनस कितना 2 थीटा. एंगल ओ इज इक्वल टू 180 माइनस कितना, क्योंकि देखो ना थीटा प्लस एंगल ओ मिला कितना हो रहा है 180 किलो एंगल मिला, सर 2 थीटा हो गया, तो एंगल ओ इज इक्वल टू 180 माइनस 2 थीटा. सर अभी टेंजेंट में ही आपने पढ़ाया था कि ये दोनों एंगल एंगल वन और एंगल ओ मिला कितना होते 180. तो कैन वी से बाय टेंजेंट प्रॉपर्टी, बाय व्हाट टेंजेंट प्रॉपर्टी, एंगल वन प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू कितना 180. अभी तो पढ़ा था अपने कि ये दोनों एंगल कितने होते 180, जो आपने भी लिखा था. कैन वी से एंगल ओ इज इक्वल टू कितना 180 माइनस व्हाट एंगल वन, एंगल वन प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू कितना 180. दोनों एंगल मतलब ये एंगल और ये एंगल मिला कितना होता 180. तो एंगल ओ इज इक्वल टू कितना 180 माइनस एंगल ओ. सर ये इक्वेशन वन है जिसमें आप एंगल ओ के बारे में बात कर रहे हो, ये इक्वेशन टू है जिसके बारे में आप एंगल ओ के बारे में बात कर रहे हो. क्या दोनों में एंगल ओ की ही वैल्यू के बने, चेक करो क्या दोनों में एंगल ओ की ही वैल्यू के बने. तो क्या मैं बोल सकता हूं अगर आप अलाउ करो तो मुझे कि एंगल ओ शुड बी इक्वल टू व्हाट एंगल ओ शुड बी इक्वल टू एंगल ओ. अगर मैं बात करूं सिस्टमेटिकली और एक तरफ क्या है आपके पास एंगल ओ की वैल्यू, सर एक तरफ है 180 माइनस 2 थीटा और दूसरी तरफ है 180 माइनस कितना एंगल. तो 180 से 180 क्या हो गया माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू कितना माइनस एंगल वन, माइनस से माइनस भी क्या हो गया. कैन वी से 2 थीटा इज इक्वल टू एंगल वन, और एंगल वन का मतलब क्या है पी टी क्यू, क्या है पी टी क्यू. क्या सर यही प्रूफ करना था, मैंने बोला हाँ प्रूफ तो खैर यही करना था. सर आपने करा क्या, पहले मैंने पहले ट्राइंगल लिया, स्टेप वन में क्या है ट्राइंगल ओपी, स्टेप वन में क्या है ट्राइंगल ओपी क्यू, और स्टेप टू में क्या आई टेंजेंट की प्रॉपर्टी, क्या आई टेंजेंट की प्रॉपर्टी. और स्टेप थ्री में अपन ने दोनों स्टेप्स को मिला के मतलब यहाँ से इक्वेशन वन बनी और यहाँ से क्या बनी इक्वेशन टू, दोनों क्या कर दी इक्वेट कर दी. सर ठीक है सर, फॉर एग्जांपल नंबर थ्री. अभी एग्जांपल नंबर थ्री जिसने पहला वाला पार्ट लिखा होगा उसके लिए काफी इजी होगा. तो सर ठीक है, अगर अपन एग्जांपल नंबर थ्री के बारे में बात करेंगे तो कुछ इस प्रकार से सर्कल दे दिया गया. अगर अपन दे तो PQ इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल 8 सेंटीमीटर, PQ इज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस 5. तो सर ठीक है, एक उन्होंने बोल दिया भाई कॉर्ड है सर्कल की कौन सी P और ठीक है कितने सेंटीमीटर की, सर ये 8 सेंटीमीटर. सर सर्कल का रेडियस कितना है, तो सर सर्कल का रेडियस कितना है 5, रेडियस कितना है उसका 5. आपको बोल के रखा है टेंजेंट ई पॉइंट से बन रहे हैं पी पे और क्यू पे, तो यहां से पी पे बन गया और यहां से क्यू बन गया, तो टीपी और टीक्यू क्या हो गया तुम्हारे पास टेंजेंट. सर ठीक है, अच्छी बात. सर उन्होंने पूछा है फाइंड टीपी, फाइंड व्हाट टीपी. सबसे पहले तो अगर मैं अपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन से शुरुआत करूं तो मैं सबसे पहले इसको ओ और टी को क्या करूंगा ज्वाइन कर लूंगा. आपको लिखना हो तो आप बोल सकते हो वही जो फर्स्ट अपन एग्जांपल में लिखा था एंड ट्रायंगल कॉट, मतलब ई ओ टी एंड ट्रायंगल कॉट, एंड ट्रायंगल व्हाट कॉट. क्या करा था अपन ने सर, अपन बोल देंगे क्या ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू इज इक्वल टू 5, दोनों क्या है रेडियस, ओपी और ओ क्यू क्या रहेंगे इक्वल. क्या अपन बोल सकते हैं ओटी इज इक्वल टू ओटी, दोनों में ओटी ओटी क्या है कॉमन. और अपन बोल सकते हैं टीपी इज इक्वल टू टी क्यू, क्योंकि वो क्या है टेंजेंट, क्या है वो टेंजेंट, टेंजेंट हमेशा क्या रहता है इक्वल. तो ट्राइंगल कॉट इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल कॉट बाय व्हाट एस एस एस, बाय व्हाट एस एस एस. ऐसे में एंगल वन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एंगल टू, एंगल थ्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एंगल फोर. तो आप लिख सकते हो कि बाय सीपीसीटी एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू इज इक्वल टू कितना एक्स, मैंने इन दोनों एंगलों को कितना मान लिया एक्स, ठीक है ना. इस पॉइंट को नाम दे रहा हूं एम, क्या नाम दे रहा हूं एम. अब मैं दूसरे दो ट्राइंगल लेना चाहूंगा, सर कौन से ट्राइंगल लोगे, तो मेरी इच्छा है कि मैं ट्राइंगल फॉर्म इन ट्राइंगल कौन सा फॉर्म एंड ट्राइंगल कॉम, समझ में आया क्या पी ओ एम और कौन सा क्यू ओ
और क्या लेना चाहूंगा एम, तो दोनों में क्या इक्वल है, मतलब दोनों में पीओ इज इक्वल टू कितना है क्यू, दोनों ही कितने पांच, इसका पीओ इज इक्वल टू इसका कितना क्यू, हाँ कि ना, अरे पीओ और क्यू क्या है इक्वल, हाँ कि ना। नेक्स्ट क्या मैं बोल सकता हूँ, ओ एम इज इक्वल टू कितना है, ओ एम कॉमन है सर, ओ एम इज इक्वल टू ओ एम वो क्या है कॉमन, और सर एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, अभी तो आपने लिखा ऊपर एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू इज इक्वल टू कितना एक्स, तो क्या ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, और अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सर हम क्या निकाल सकते हैं, ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अपन बोल सकते हैं क्या ई एम इज इक्वल टू एम क्यू इज इक्वल टू कितना फोर। सर आप क्या बोलना चाहते हो एक बात क्लियर कर दो, देख अगर ये दोनों ट्राइंगल इक्वल हो गए तो यहाँ की पी एम और यहाँ की एम क्यू आपस में क्या हो जाएंगे, पी एम और एम क्यू आपस में क्या हो जाएंगे, तो सर ये भी हो गए चार और ये भी कितने हो गए चार, हाँ कि ना, ठीक है ना। सर अगर ये चार हो गई, ये भी चार है और यहाँ पे ये कितना है पांच, सर ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएंगे इक्वल, कौन कौन सा एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एम इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, कौन सा पॉम और वॉट कॉम, तो इसका मतलब आपने क्या बोल दिया भैया कि ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे इक्वल, और दोनों बना क्या रहा है लीनियर पे, तो दोनों एंगल कितने हो जाएंगे 90, गॉट इट, ये चार हो गए ये चार हो गए। क्या तुम पाइथागोरस से मुझे ओ एम निकाल दे सकते हो क्या, ओ एम सर देखो अगर हम आपकी बात माने भी तो ओ एम का स्क्वायर, इसका ओ एम का स्क्वायर क्या होगा 5 का स्क्वायर माइनस कितना 4 का स्क्वायर, अरे पाइथागोरस ही अपना हाइपोटेन्यूस हो गया, हाँ कि ना, तो सर ओ एम आपकी 3 आ जाएगी, ओ एम कितनी आ जाएगी, तो बस मैं बच्चों से इतनी रिक्वेस्ट करूंगा कि क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि ओ एम कितनी आ जाएगी, ठीक है, तो पहले यहां तक करो फिर आगे बात करें। अब बहुत प्यारा एंगल, सिमिलर ट्राइंगल्स का लेना पड़ेगा, देखो कितना समझ में आता है कितना समझ में नहीं आता है। तो सर आप चाहते क्या हो, मैं चाहता हूँ आप घूर घूर के देखो दो ट्राइंगल, सर एक तो छोटा हमारा ट्राइंगल इन ट्राइंगल पॉम, दिख गया क्या पॉम पी ओ एम, ठीक है, और ट्राइंगल पॉट, ट्राइंगल कौन सा पी ओ टी एंड ट्राइंगल वॉट पॉट, कौन सा ट्राइंगल है ये पॉट। सर देखो दोनों में एंगल ओ तो सेम, इसका एंगल ओ और इसका एंगल ओ दोनों यही ओ पे आके टकरा रहे हैं, चाहे वो पॉम हो चाहे वो पॉट हो, क्या हो पॉट, दोनों का एंगल ओ क्या है सेम। सर ये बात भी जानने की होगी कि पॉम का जो एंगल एम है वो कितना है 90, एंगल एम कितना है 90, और पॉट का एंगल पी कितना होगा 90, पॉट का एंगल पी कितना होगा 90, क्योंकि अपन ने पढ़ा है टेंजेंट टू रेडियस हमेशा कितना होता है 90। तो सर इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, ऐसे लिख दें क्या ओ एम और इसमें बचा क्या पी इज सिमिलर टू ओ पी टी। सर ट्राइंगल के अगर दो एंगल सिमिलर होते हैं, दो एंगल इक्वल होते हैं तो ट्राइंगल क्या होते हैं सिमिलर बाय वॉट ए बाय वॉट ए। तो सर आपने बोल दिया ओ तो कॉमन ही है और इसका एम कितना है 90 और उसका पी कितना है 90, सर अच्छी बात है, मैंने बोला हाँ मतलब अच्छी बात तो खैर है। अगर मैं आगे लेके चलूं आप लोगों को थोड़ा सा, तो गेम इस प्रकार से चल रहा है आपके पास कि होले होले और अच्छे से ओ एम इसकी ओ एम अपॉन में इसकी क्या ओ पी इज इक्वल टू इसकी क्या एम पी अपॉन में इसकी क्या PT is equal to OP upon में कितना OT। पहले बताओ किसी को पता है क्या OM कितनी है, सर OM तो निकाली थी अभी अपन ने 3, किसी को पता है क्या OP कितनी है OP, सर OP तो रेडियस है 5, किसी को पता है क्या MP कितनी है MP कितनी है 4, और PT तो निकालनी है, अरे PT क्या करनी है निकालनी है, तो by this PT should be equal to what? PT is equal to कितना 20 by 3. PT is equal to कितना 20 by 3. तो क्या सर इसमें similarity का भी angle है, मैंने बोला हाँ है। Example number 3 है book का, काफी काम का काफी मजेदार, तो सर आपने लगाई क्या similarity, क्या लगाई
सिमिलैरिटी। कौन कौन से ट्राइंगल में? पॉम और पॉट, पॉम और पॉट। इसको लिखने का मौका दूंगा, पहले एक्सरसाइज 10.2, क्योंकि 10.1 में कुछ भी नहीं फिल इन द ब्लैंक्स है। 10.2 के तीन क्वेश्चन साथ में कराना चाहिए, क्योंकि पहले के तीन क्वेश्चन तो मजाक ही हैं। उन्होंने बोला है भाई एक सर्कल है जिसपे टेंजेंट है 24। क्वेश्चन नंबर वन में वो बोल रहे हैं कि एक सर्कल है जिसमें टेंजेंट की लेंथ है 24 और डिस्टेंस ऑफ सेंटर फ्रॉम द टेंजेंट वो है 25। वो बोल रहे हैं रेडियस निकालो। मैंने बोला कैसी बात करते हो, पाइथागोरस लगाऊंगा और आ जाएगा। तो कहना है से 24 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? 25 का स्क्वायर। तो और सर आर का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 625 माइनस 576, मतलब आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 और आर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सर? तो सर आपके पास आर तो 7 आ गया। आर कितना आ गया सर? इसी का क्वेश्चन नंबर 2 ये बोलता है कि पी ओ क्यू, मतलब एग्जाम्पल मान ले कि ट्राइंगल में अगर ये आपके पास P है, ये O है और ये Q है, ठीक है ना, और समझो यहाँ पे आपके पास T है, तो वो पूछ रहे हैं अगर POQ 110, POQ कितना है, तो पूछ रहे हैं यहाँ एंगल कितना होगा? 70। अभी तो अपन ने पढ़ा था कि एंगल PT प्लस एंगल O कितना होता है 180। तो खुद बोल रहे हैं कि अगर एंगल O 110 है तो एंगल T ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा? 70 डिग्री। सर ये भी अच्छा है, मैंने बोला हाँ अच्छा है, इसलिए तो ये बताया मैंने आपको। फिर वो आपको बोल रहे हैं कि दो टेंजेंट है आपस में एक दूसरे से एंगल बना रहे हैं ऐसे पास पास का 80 डिग्री, कितना बना रहे? दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ योर बुक, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ योर बुक कि आपस में एंगल कितना बना रहे? 80 डिग्री। तो पी ओ ए कितना होगा अगर मैं बात करूं, वो मतलब यहां से ये बोल रहे हैं कि सेंटर से वाला एंगल कितना होगा? पी ओ ए, ठीक है ना, तो पी ओ ए नहीं, उन्होंने बोला है टेंजेंट है पी ए और पी बी, पी ए और पी बी, ठीक है ना। तो ये आपके पास ए है, ये आपके पास क्या है? बी। तो पूछ रहे हैं आपसे पी ओ ए कितना होगा, मतलब देखिए यार ये 80 है तो पूरा एंगल ओ कितना होगा बताओ, बताओ पूरा एंगल ओ कितना होगा? तो सर पूरा एंगल हो कितना होगा? 100। तो पी ओ ए क्या पूरा है कि आधा है? आधा है, अपन ने स्टार्टिंग से तो बोल के रखा है ये दोनों एंगल हमेशा क्या रहते हैं? इक्वल। तो खुद बताओ तो फिर पी ओ ए कितना हो जाएगा? एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50। मैं मीटिंग फिर से कंटिन्यू करूंगा उन बच्चों के लिए जिनको ये पूरा सर्कल्स आज ही कर।